10 मार्च को हमारी बहन जी आ रही है, स्वाभिमान देंगे और रोजगार देंगे हमारी बहन। योगी की बहन भी खुश है। बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बसपा की सरकार बनाना है। कहते हैं बीजेपी वाले कि बहन जी तो अंधेरे में है, कहना चाहते हैं उनके एक शायरी के माध्यम से कि उजाला में तो शीशा भी चमकता है, उजाला में तो शीशा भी चमकता है, अंधेरे में तो हीरा चमकता है। बहन जी हीरा है, हीरा। इस बार बहन जी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, पूर्ण बहुमत से आ रही हैं। वही कहे कि ये जो विरोधी है मोतियाबिंद हो गया है, जाके सारण में जांच करा ले। फिर जब दिखाई नहीं दे रहे, जब बसपा दिखाई नहीं दे रहे तो तैयार क्यों हो रहा है? मैं सलाटरी हूँ। भाजपा भी आ गए हैं इधर, ये देखिए ना, भाजपा भी आ गए हैं और आप भाजपा हैं अभी बता रहे हैं। इनको पता है कि इनका स्वाभिमान सर्वजन हिताय बहुजन समाज पार्टी करती है, इसलिए चाचा जी ने आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्य। योगी जी का दिमाग खराब हो गया है, योगी जी का दिमाग किसे खराब हो गया? ब्राह्मण के हर। अरे सुनिए, हम मौजूद हैं इलाहाबाद में, जहां पे आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी आई थी और जनसभा को संबोधित करके रवाना हो चुकी हैं। हमारे साथ में उपस्थित हैं छात्र नेता जितेंद्र धनराज जी, उनसे भी जानेंगे क्या माहौल लग रहा है और बहन जी आई थी, क्या सीख मिली है? दिल खुश हो गया, मगमग हो गए, क्योंकि बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ये जितेंद्र धनराज नहीं कह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं, मताए कह रहे, बहन कह रहे, यह के पी गौरांग का यह जैन सा है लाभ कह रहा है। मीडिया तो कहती है कि बसपा कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। मीडिया 2007 में भी कह रहे थे कि बसपा कहीं नहीं दिखाई दे रही है, वही दोहराने हम लोग जा रहे हैं। फिर इस बार भी 2007 को ही दोहराएंगे, बहुमत की सरकार बना के आएंगे 10 मार्च को। अब देख लीजिए आप, सपा बीजेपी कांग्रेस होश उड़ गया इस रैली को देख के, क्योंकि अब ताजीव गंगा यमुना की है, जो इलाहाबाद अब जितने भी चुनाव बचा है सबका समीकरण बिगाड़ दिया है, क्योंकि इलाहाबाद की ओर सरजमी है। बलिया, बनारस, आजमगढ़, देवरिया, फैजाबाद, साकेत, नगर, प्रतापगढ़, बनारस, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कानपुर, तमाम जिलों के लड़के यहाँ पर आते हैं और हर लड़के अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और धरातल पर प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। लोग कहते हैं कि बहन जी दिखाई नहीं देती, और बहन जी अगला जो कार्यक्रम था अम्बेडकर नगर में था, वहाँ पे जिला अध्यक्ष के ऊपर जो है FIR हो गई, इतनी भीड़ हो गई थी। तो वही कहे कि ये जो विरोधी है मोतियाबिंद हो गया है, जाके सारण में जांच करा ले। फिर जब दिखाई नहीं दे रही है, जब बसपा दिखाई नहीं दे रहे तो FIR क्यों हो रहा है? और ये जन सैलाब बता दिया है, क्योंकि विरोधियों को होता है ना गाधे अंदर तो हार्ट अटैक होता है, लेकिन नहीं बोल पाते हैं, बवासीर हुआ रहता है। और हम लोग संवैधानिक तरीके से हमारे माता, बुजुर्ग, भाई, बहन इस 27 फरवरी को निकलेंगे, और जब हाथी पे बटन दबाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारी बसपा कहाँ है। इलाहाबाद में हम लोग, इलाहाबाद में छात्रों को कूटा जाता है, छात्रों को भाई साहब क्या कहेंगे आप, छात्र नेता हैं, उनके समर्थन में हैं। अगले दिन आप देखे कि हम लोगों ने छात्र संघ भवन से पूरा इलाहाबाद को जाम किया। यही भाजपा का जो दलाल, जो SSP था, कहा कि लड़कों में शुभकामनाएं देता हूँ, हमसे गलती। हमने कहा कि अब शुभकामनाएं तुम मत दो, 10 मार्च को हमारी बहन जी आ रही है, स्वाभिमान देंगे और रोजगार देंगे हमारी बहन जी। कौन कौन चाहता कि भाजपा जाए? रोजगारी पर क्या कहेंगे बेरोजगार? भाजपा की सरकार में पूरे स्टूडेंटों का वाहन किया गया, लाइन पे दौड़ा के मारा गया, गली गली में पूछ के मारा गया,
एक भी स्टूडेंट इसमें सुरक्षित नहीं रहा। और 69,000 की भर्ती का इन्होंने भी शुरुआत की है, उसमें भी हालत का घोटा खत्म। समाजवादी पार्टी के समर्थक थे आप पहले, आप बहुजन समाज पार्टी के हो गए, क्या कारण है, क्या समस्या? 8 महीना पहले, क्योंकि अभी मैं पुष्प परवित हो रहा था, गाँव से आया था, विश्वविद्यालय में कदम रखा था, तो हमें समझ नहीं था। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं गया, पता चला कि कितना समाजवादी पार्टी में जातिवाद है, कितना उसमें क्षेत्रवाद है, कितना दलितों को दबाया जाता है। कम से कम यह तो हमको पता चला। और फिर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह छात्र विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है और दलित विरोधी सरकार है, ये पूरा जन विरोधी सरकार है। और इसलिए बहन जी के सम्मान में पूरा सर्वजन उतर चुका है मैदान में और हाथी पे हमें बटन दबाना है और बहन जी को लखनऊ भेज के ही मानना है। एक बार टेबलेट का मैसेज देखकर मोबाइल में और टेबलेट नहीं बांटे, उसके बाद जो है अमित शाह कहते हैं 12वीं के बाद जो इंटर करेगा जब हमारी सरकार बनेगी उनको लैपटॉप और टेबलेट दिया। वो तो 15 लाख का भी जुमला दिए थे, मिला कि 12वीं के बाद इंटर करना। अब बताइए, अब वही जाने उनका स्मृति ईरानी टेबलेट ले, हमारे बहुजन समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। हमारे बाबा साहब ने जो एक मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया था, हम सही जगह पे उसका प्रयोग करेंगे। और बहन जी, हमारी माननीय बहन जी गरीबों की मसीहा जो है वो हमें नौकरी देंगे और नौकरी के बम पे हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पढ़ाई कर लेंगे। हमें बहन जी जा चुकी है और गदर मच चुका है, क्या कहेंगे? कहते हैं बीजेपी वाले कि बहन जी तो अंधेरे में है। कहना चाहते हैं उनके एक शायरी के माध्यम से कि उजाला में तो शीशा भी चमकता है, उजाला में तो शीशा भी चमकता है, अंधेरे में तो हीरा चमकता है। बहन जी हीरा है, हीरा इस बार बहन जी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, पूर्ण बहुमत से आ रही हैं और प्रयागराज में स्टूडेंटों को ऊपर लाठी बरसाते हैं बीजेपी वाले और राशन देते हैं, राशन दे के सबको भिखारी बना रहे हैं। अभी तो अमित शाह भाषण में कह रहे थे मैं 12वीं के पास इंटर पास जो है लैपटॉप दूंगा। बताइए 12वीं के पास कोई इंटर करेगा? इंटर करेगा कोई? हाँ, उनको खुद नहीं पता कि बात ये है ना, दरअसल बात ये है कि जितने भी पक्ष के हैं भाजपा सपा कांग्रेस आपा खो दिए, क्योंकि अमित शाह को भी पता है कि दिल्ली की राजधानी जो तय होती है उत्तर प्रदेश से और यह उत्तर प्रदेश बहन जी के खाते में अब आ रही है, इसलिए अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। बहन जी का जन सैलाब देख कर जो है भाजपा भी आ गए हैं, इधर ये देखिए ना भाजपा भी आ गए हैं और आप भाजपा हैं अभी बता रहे हैं। इनको पता है कि इनका स्वाभिमान सर्वजन हिताय बहुजन समाज पार्टी करती है, इसलिए चाचा जी ने आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली। आपको बहन जी में क्या दिखा जो भाजपा छोड़ रहे हैं? मुझको बहन जी में सुशासन दिखा, न्याय व्यवस्था अपने स्थान पे थी, कार्यपालिका अपने स्थान पे थी, व्यवस्था के अपने स्थान पे थी। आज जो मुख्तार और अतीक के खिलाफ योगी जी अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, वो मायावती जी ने शुरू कर दिया था। और अलीना सिटी मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है, अलीना सिटी जो है अतीक का ध्वस्त कर दिया था। ऐसा कुशल प्रशासक मैं राजनीति का विद्यार्थी भी हूँ, पोल साइंस एम ए PhD हूँ, आयुर्वेद रत्न हूँ, LLB हूँ, हाईकोर्ट का वकील हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज का लेक्चरर था, किक करके राजनीति करने आया, मैं 53 बरस से संघ के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ, मैं नड्डा साफ करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, 25 लड़की गरीब जो पासी मेरे गाँव में लखनपुर में जा रहा जहाँ नीला मैं, मैंने 25 लड़कियों की शादी कराया है, गेहूँ सेट कर दिया है, पैसा सेट कर दिया है, डालडा एजेंसी। आप LLB किए हैं, आप एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, लाइन ऑर्डर कैसा लगा बसपा का लाइन ऑर्डर? तो आपने पहले कह दिया कि कुशल प्रशासक थी वो, तो भाजपा भी कहती है कि गुंडा मुक्त हो गया लाइन ऑर्डर, उनका कैसा लगा? नो, अगर भाजपा को करना था तो ठाकुरों के खिलाफ क्यों नहीं किया? क्यों ब्राह्मणों, हम ब्राह्मणों को क्यों कुचला? क्यों जो है क्यों विकास में को मारा? ब्राह्मणों ने चाहना है बसपा की सरकार बनाना है। योगी जी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपको पाप लगेगा। नो, योगी मोदी जो है सनातनी धर्म देख रहे हैं, सनातनी हिंदू बना रहे हैं, तो क्या योगी और मोदी की माँ ही सनातनी थी? क्या वही वैदिक व्यवस्था जानती थी? मैं ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी हूँ, 3 का ब्राह्मण हूँ, शांडिल गोत्र है और 83 से दोनों नवरात व्रत रहता हूँ, मैं यह दर्शन करता हूँ। 9 कन्या 2 से 10 की छोहरी किसी भी जात की हो, चाहे पासी हो, चाहे हेला हो, चाहे चमार हो, चाहे बाबन हो, उसका मैं पैर धोता हूँ,
वो जो है आचमन करता हूँ, उसके बाद खिला करके और उसकी पूजा करके तब पारण करता हूँ। तो मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ 80% और 20% की जो लड़ाई है, 80% वास्तव में सनातनी है, तुम्हारे कहने से सनातनी कोई नहीं है। योगी जी को बताइए ना, देख लीजिए योगी जी का दिमाग खराब हो गया है। योगी जी का दिमाग किसने खराब हो गया? ब्राह्मण के हर... अरे सुनिए, अरे योगी जी ने हम इलाहाबाद में मौजूद थे, यहाँ के जो ब्राह्मण है सर्व समाज है, बहन जी के कार्यकाल से काफी खुश है और भाजपा छोड़ कर बसपा में आ गए हैं। यहाँ पे योगी जी का दिमाग किसने खराब हुआ? ब्राह्मण की चार श्रेणी है, गरीब होगा तो डाटा की जय हो, मजबूत होगा तो रेलेगा, मरेगा तो बरम बनेगा। तो उन्होंने विकास दुबे को मारा है, बरम बन के बोल रहा है। और ब्राह्मण की चौथी श्रेणी बेशरम होती है, आप हम जब मरेंगे तो महापात्र जो विदा होता है मरे का भी खाता है, इसलिए ब्राह्मण नरम गरम बरम बेशरम योगी की गांड में घुस जाएगा। मान्यवर साहब, जो कांसी राम साहब हैं पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा है कि बनिया को माफ कर दो, ठाकुर को 50% कर दो, ब्राह्मण को साफ कर दो। ये काशीराम स्वयं ब्राह्मण थे, जन्मजात ब्राह्मण थे, उन्होंने इसलिए कहा कि हमारा जो दलित कुचला शोषित समाज है इस माध्यम से एक हो जाए। यही कांग्रेस की सरकार ब्राह्मण मुसलमान और यही हरिजन की वोट लेकर के 60-70 वर्ष शासन किया। ये ब्राह्मण मानवर साहब ब्राह्मण थे, मूल निवासी थे वो सब। देखिए सर्वजन का बात है, बहुजनों की बात है, सबको लेके चलने वाले हैं। और मान्यवर कांशीराम साहब जानते थे कि हम सभी को एक धागे में पिरोएंगे तब जाके इस भारत का कल्याण होगा, इस भारत का उत्थान होगा। हम इलाहाबाद में देखिए क्या हमारे यहाँ दो दल है, रामा दल रावण। गरमाए हैं ब्राह्मण जी, रामा दल रावण। अरे नो 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 नो, हमारे गांव में 150 घर पासी है। चलिए इधर हम बात करते हैं, और हम इलाहाबाद में थे।